কত বলি সন্ধ্যার দিকে ফোন করি, ডেলি পাইনি ওকে। ये जो है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो शाख होते हैं शाम का, उनका ही ये सब है, ठीक है, बहुत सारे हैं डिफरेंट। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कोरल होते हैं, कोरल, ठीक है, सी क्लाइम, तो यही है डिफरेंट टाइप के, जो पानी के नीचे ये सब रहता है। और नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लॉबस्टर या कुछ फिश वगैरह होगा, श्रिम बोलते हैं इसको। चलिए दूसरा चीज़, एक केकड़ा है, समुद्र का केकड़ा, क्रैब बोलते हैं जिसको। और यहाँ पे UCA, पता नहीं क्या है इसमें, कुछ दिख नहीं रहा है। और ये जो है कि स्टार फिश जिसे बोलते हैं समुद्र का, जो लाइव है एकदम, मतलब जीता जाता है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे बहुत सारे क्रैब है, ठीक है, शायद मर चुका है, यहाँ पे कुछ भी है ओके। तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो सबसे जो एनिमॉयल सी एनिमॉइन आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये दिख रहा है, बहुत ही एक खूबसूरत सा ये दिख रहा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर भी है मरीन लाइफ, मतलब जो समुद्र का जो लाइफ होता है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। कम्युनिटी टैंक, यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिशेस को यहाँ पे ऐड किया गया है, इसलिए इसका नाम है कम्युनिटी टैंक। यहाँ पे आप एक क्रोकोडाइल है देख सकते हैं, वहाँ पर एक गोड़ामी है, गोड़ामी फिश आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ तीन चार टाइप के फिशेस को यहाँ पे ऐड किया गया है। ये जो है कि है ये देसी टेंगरा माछ बोलते हैं, टेंगरा फिश देसी, म्यूसियल, ये इंडियन जो नॉर्मली जो पौंड में रहता है हम लोग बंगाली लोगों के, वो है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सारे के सारे जो जितने भी हैं सब DNA कराया गया है, सबका ही चीज़ है अलग अलग। यहाँ पर एक नेक्स्ट चीज़ है, और फ्रेंड्स ये जो है कि DNA होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, एनिमल का, इंसेक्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉस्किटो वगैरह, चूहा वगैरह, रैट्स का, ठीक है, DNA इधर DNA मानुषर मध्य 90 मतलब कि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बोल रहा है ये है कि जो है कि चूहे का, रैट का जो DNA होता है, जो इंसान पर जो DNA होता है वो 90% मैचिंग करता है, ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कुछ मैचिंग किया है, ठीक है, इसके माध्यम से। और फ्लाई जो फ्रूट फ्लाई होते हैं, जो बटरफ्लाई, जो मच्छियाँ, जो मधुमक्खियाँ जो फल का रस खाती है, उसका DNA में और हम इंसान लोगों का DNA में 50% मैचिंग होता है, ठीक है, ये साइंस लोगों का कहना है। और 40% मैचिंग होता है निमाइट क्रीमी, ठीक है, इसे 40% इंसान लोगों का DNA के साथ बाहरी के मैचिंग होता है। और सिंपांजी जो होता है, सिंपांजी के DNA से 99% इंसान लोगों का DNA के साथ मैचिंग होता है, यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आप लोग जो है कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं और फिशेस हैं, ठीक है, इसके रिले कुछ जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं किंग फिशर, फिशर जो बोलते हैं। और यहाँ पे एक बाज है, ईगल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक बर्जिगर पैराकिट का एक कॉलोनी है, छोटा मोटा सा, ठीक है, ये भी आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, छोटा मोटा सा कॉलोनी है, वहाँ पे कुछ बर्ड्स भी है, वो आप दूर देख सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आप सभी दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये दीघा का साइंस लैब है, ठीक है, दीघा का साइंस फिक्शन आप बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिशेस के पिक्चर्स हैं, जो वाइल्ड फिशेस होते हैं, जो अभी है और कुछ लुप्त हो गए वो भी कुछ है, ये सब पिक्चर वगैरह है। और यहाँ पर जो कि कुछ एनिमल्स भी हैं, क्रोकोडाइल है, डॉल्फिन है, चीता बोलते हैं वो है, रेड पैंडा है, ठीक है, पाइथन है, सिम्बा वगैरह है, ठीक है, बहुत सारे रैबिट्स है, दोनों को शेयर, तो ये सब है यहाँ पे बेबी रैबिट। और यहाँ पे बहुत सारे रैबिट का यहाँ पे जो है जाति का विवरण दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं रैबिट, ये न्यूजीलैंड रैबिट है। और यहाँ पे जो है कि ठीक है, ये जो है कि ब्लैक डच बोलते हैं, जो भी रैबिट मिक्स ब्रीड में आता है, जो मिक्स कलर में होता है, चाहे वो ब्लैक के साथ व्हाइट में हो या फिर ब्राउन के साथ व्हाइट में, उसे डच ब्रीड बोला जाता है। और ये जो है कि कैलिफोर्नियन ब्रीड रैबिट, इसका एक होता है कि जो कान होता है, हेयर बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, और ये नॉर्मली सभी लोगों को मालूम है न्यूजीलैंड। और यहाँ पे एक न्यूजीलैंड दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स, और ये है इसका घर,
एक ही पीस है शायद आई थिंक यहाँ पे, लेकिन घर बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रोकोडाइल सा है, ठीक है, ये क्रोकोडाइल आप देख सकते हैं, जो स्टील का पोस्टर है वहाँ पे मेंढक जैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए बहुत सारे आपको दिखाया, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे कुछ दिखाया, आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर भी हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब बाहर की तरफ चलते हैं, और आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे, जो लोग दीघा पे आते हैं, दीघा साइंस लैब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कि आए थे, और ये उड़ुंदा मुआया आए थे, और ये जो है कि गोपाल सर है, गोपाल दा जो भी बोले, इनका भी बर्ड्स है, यहाँ पे दीघा में रहते हैं रामनगर में। तो चलिए इन लोगों के साथ घूमने के लिए आए थे, बहुत अच्छा लगा घूमने के लिए दीघा, और आप लोग भी ज़रूर आइएगा यहाँ पे, विज़िट कर सकते हैं ये साइंस का, ये फिक्शन वाला एक जगह, म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, 20 रुपये करके टिकट लेता है। साइंस सिटी, विज्ञान सोहर।